आप सब लोग शुरू करें, उससे पहले हम एक छोटा सा स्टेटमेंट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू वेरी वेरी मच पूरे देश की जनता को। एक हिस्टोरिकल नंबर्स जो इस फिल्म के आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग जो फिल्म देख रहे हैं, उसके लिए हम पूरे देश का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये फिल्म लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इसका विषय इतना सेंसिटिव और इतना इम्पॉर्टेंट है, तो लोगों का इस तरीके से इस फिल्म से जुड़ना ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस फिल्म में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस फिल्म के बारे में बात की, और भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस फिल्म के बारे में बात की, और इस विषय को नेशनल सब्जेक्ट के रूप में लोगों के सामने रखा। चाहे कुछ लोगों ने विरोध किया हो, चाहे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया हो, पर इस विषय को अब एक नेशनल लेवल पे कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हम उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। आज एक बहुत सेंसिटिव इश्यू पे हम बात करना चाह रहे थे। तमिलनाडु में एक इंडिविजुअल इंसान, वो धमकी देके उसने वहाँ की पूरी स्टेट गवर्नमेंट को हिला के इस पिक्चर को वहाँ रिलीज़ होने से रोका है। हमें इतने सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमें फ़िल्म देखनी है, पर वो तमिलनाडु में देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक इंसान ने पूरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को धमकी देके कंट्रोल किया हुआ है। मैं तमिलनाडु की डीएमके और कांग्रेस की जो सरकार है, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके अगेंस्ट वो सख्त से सख्त कदम इमीडिएटली लें और इस फिल्म को कल सुबह वहाँ रिलीज़ किया जाए। चेन्नई हाई कोर्ट ने, कुछ लोगों ने पिटीशन की थी इस फिल्म को रोकने की, उसको चेन्नई हाई कोर्ट ने भी खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार एप्लीकेशंस को खारिज किया है। केरल हाई कोर्ट ने 12 पिटीशनें आई थी, उनको भी उन्होंने हमारी फिल्म पे बैन नहीं लगाया है। तो अगर 2 ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और 1 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद सिर्फ एक इंसान धमकी दे और पूरी स्टेट की मशीनरी उसके सामने झुक जाए, ना पुलिस उन थिएटरों को प्रोटेक्शन दे या ना गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन ले, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो डेमोक्रेसी के बहुत फेवर में आर्ग्यूमेंट करने वाले जो लोग हैं, उन सब से कि इस फिल्म को बिना किसी डिसरप्शन के चेन्नई, तमिलनाडु, पूरे स्टेट और पौंडीचेरी में रिलीज़ करने दिया जाए। हमारे मल्टीप्लेक्स के जितने भी ओनर्स हैं, थिएटर ओनर्स हैं, वो बहुत चाहते हैं इस फिल्म को लोगों को दिखाना, बिकॉज़ उनके पास इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज हैं, लोग इतना देखना चाह रहे हैं। तो सिर्फ एक आदमी की वजह से ये फिल्म वहाँ नहीं चल रही है, ये मुझे लगता है कि पूरे स्टेट को इस बारे में विचार करना चाहिए, डीएमके और कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि क्या उनकी गवर्नमेंट एक आदमी को कंट्रोल करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू नहीं कर पाएंगे। दैट्स ऑल वी हैव टू आस्क। थैंक यू वेरी मच। अब आप जो पूछना चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू मेक श्योर दैट द फिल्म इज रिलीज्ड, सिंस ऑनरेबल कोर्ट हैज़ ऑलरेडी गिवन द ऑर्डर। आफ्टर दैट इट बिकम्स स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर अ स्मूथ एंड फेयर रिलीज ऑफ द फिल्म। लेट पीपल डिसाइड इफ दे डोंट वॉन्ट टू सी इट, बट दिस इज़ अ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन। देखिए, ऐसा है कि हमारी फिल्म एक बहुत ही गंभीर सामाजिक विषय पे बनी हुई फिल्म है, और इसीलिए कुछ पॉलिटिकल विरोध भी होता है, कुछ प्लान्ड स्ट्रेटेजी के तहत भी विरोध होता है, और विरोध करने का हक सबको है। सब लोग कोर्ट में गए,
हमारे अगेंस्ट 15 केस हुए, तो उन सब का वो हक है अंडर द डेमोक्रेटिक रूल, सबको हक है कि वो अपना विरोध जाहिर करें। बट एक बार जब हमारी कोर्ट्स ने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देना, ये स्टेट को सोचना चाहिए कि क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात है। व्हाट इज़ द लॉ एंड ऑर्डर स्टेट, व्हाट इज़ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दैट फोर पीपल कमिंग एंड गोइंग सम टेयरिंग सम पोस्टर? नो मैम, आई बेग टू डिफर फ्रॉम यू, बिकॉज बिफोर कमिंग हियर आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल द रिपोर्ट, देयर इज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, इट वॉज अनऑफिशियली बीन टोल्ड बाय टू द मल्टीप्लेक्स ओनर दैट योर फिल्म विल नॉट बी प्लेड हियर, मनी विल बी रिफंडेड। सो आवर अपील टू गवर्नमेंट इज either they say we will not let the film run here in Tamil Nadu, or say we will ensure the normal screening of the film, because it is our right now, it is the right of the people of Tamil Nadu to watch the film. By the way, film Kerala mein successfully chal rahi hai, aur agle week mein budhwar ya gurwar ko hum Malayalam mein dub karke ye film Kerala mein release karne ki koshish kar rahe hain, तो केरला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसीलिए ये ज़्यादा ताज्जुब की बात है कि केरला में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों ने फिल्म देखी है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और तमिलनाडु में एक इंसान ने पूरे स्टेट को और स्टेट की गवर्नमेंट को हॉस्टेज बना के रखा हुआ। हम क्या कहें, जवाब तो लोगों ने दे दिया, नंबर्स आपके सामने हैं, वीकेंड के तो है ही हैं, आज के नंबर्स आप खुद चेक कर लीजिए, फ्राइडे से ज़्यादा कलेक्शन आज 3 बजे तक जब हम ट्रैक कर रहे थे, तो फ्राइडे से कम 20-30% कलेक्शन ज़्यादा है, जबकि मंडे टिकट के रेट्स कम होते हैं, फ्राइडे के मुकाबले मंडे टिकट की प्राइस कम होती है, उसके बावजूद कलेक्शन में अगर 20-30% जंप है, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम फ्राइडे के मुकाबले 40-45% लोग ज़्यादा इस फिल्म को आज देख रहे हैं। तो ये लोगों का जवाब है, ये प्रोपोगेंडा फिल्म होती तो लोग इसे उठा के बाहर फेंक देते। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारे पास 2 टेस्टिमनी हैं, वो टेस्टिमनी देखेंगे तो आप हंस पड़ेंगे। एक लड़का ने हमारी को प्रोड्यूसर अश्विन को पिछले 2 महीने से गाली दे रहे थे, जब से हमारी टीजर रिलीज हुई, गाली मतलब बहुत ही बुरे शब्द में गाली दे रहे थे। कल उस लड़के ने लिखा, मैंने आपका फिल्म देखा, मैं पब्लिकली माफ़ी मांगता हूँ कि ये फिल्म देखने के बाद मुझे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ। एंड सेम ऑलमोस्ट इन द सिमिलर लैंग्वेज आई ऑल्सो गॉट अ मैसेज। सो अगर आपको आपके पास वो गुंजाइश है दिखाने का, तो आप वो दोनों टेस्टिमोनियल हमसे ले लेना, और पता चल जाएगा जिन्होंने विरोध कर रहे थे वो आज हमारी फिल्म देखने के बाद वो विरोध के रास्ते से हट गए। आज के तारीख में सिर्फ वही लोग विरोध कर रहे हैं जो फिल्म देखे नहीं। The reaction we are getting, if you go through our Instagram and Twitter pages, you will see almost half of the comments are from that community who are, after watching the film, they are saying yes, this should be the story was supposed to be said long back, and they are thanking. नहीं देखिए, इस देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, और वहाँ पे ये फिल्म बिना रोक टोक चल ही रही है। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, केरला में ही बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है और केरल में फिल्म चल रही है, तो ये राजस्थान में चल रही है, तो ये छत्तीसगढ़ में चल रही है, हम कैसे बताएं कि कौन सी। हाँ, लेकिन हमारी फिल्म मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई है, और उसके लिए हम शिवराज सिंह जी और उनकी गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। ये लोगों को और प्रोत्साहित करेगा कि बड़े नंबरों में जाके लोग फिल्म देखें। सर, क्या महाराष्ट्र में टैक्स भी होनी चाहिए? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें। अब उसका ज़रिया
टैक्स फ्री है या नहीं है ये हमारा विषय नहीं है। टैक्स फ्री होती है तो लोगों को अच्छा ही लगता है, एक सरकार की ओर से एक एंडोर्समेंट होता है कि आपकी फिल्म में कोई ऐसा गुण है, ताकि सरकार भी बोल रही है कि हम अपना टैक्स छोड़ के भी लोगों को बोल रहे हैं कि आप कम पैसों में जाके पिक्चर देखिए, वो बेनिफिट गवर्नमेंट भी उनको देना चाहती है। तो हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स और नॉन बीजेपी स्टेट्स भी इसको टैक्स फ्री करें और लोगों को दिखाएं ये फिल्म, दैट इज़ ऑल दैट वी वांट। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन समबडीज कमेंट, मैं हर कमेंट के ऊपर कमेंट करूंगा तो 3 साल तो सिर्फ कमेंट पे कमेंट चलेगा, सो आई डोंट थिंक आई वांट टू कमेंट एंड ग्लोरीफाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।